हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर और कीमती पदार्थ है। अपनी कठोरता और अद्वितीय चमक के कारण हीरा सदियों से राजसी वैभव और विलासिता का प्रतीक रहा है। हीरों का इस्तेमाल आभूषणों में अधिक किया जाता है। रोमन लोग तो इन्हें भगवान के आंसू भी कहते थे। 1700 के दशक तक भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देश रहा है। हालांकि आज भी भारत में हीरे का खनन जारी है। हीरे को देखकर लोगों के मन में अक्सर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर यह चमकदार पत्थर कहां से आया है, यह बनता कैसे है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। हीरा शुद्ध कार्बन से बना एक खनिज है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे प्रसिद्ध रत्न है। अत्यधिक कठोर होने की वजह से हीरे का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे काटने और चमकाने वाले उपकरणों में किया जाता है। हीरे की कठोरता और चमक इसे एक नायाब रत्न बनाती हैं। हीरे में परमाणु कठोर तरीके से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए कुछ प्रकार की अशुद्धि इन्हें दूषित बना देती है। हीरे में दिखाई देने वाले रंग कम मात्रा में अशुद्धियों या नुक्स की वजह से दिखाई देते हैं, जैसे बोरोन की वजह से नीला रंग, डिफेक्ट्स की वजह से भूरा रंग इत्यादि। इनके अलावा हीरे में गुलाबी, लाल, बैंगनी और पीला रंग भी नजर आता है। हीरे को कैरेट और पॉइंट्स में तोला जाता है। एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है और एक पॉइंट 0.01 कैरेट के बराबर होता है। हीरे को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से प्राप्त किया जाता है। आखिर हीरे का निर्माण कैसे होता है? जब कार्बन पृथ्वी की सतह के नीचे करीब 150 से 200 किलोमीटर गहराई में जमा होता है, यहाँ तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। कुछ पत्थर कुछ दिनों या महीनों में आकार ले लेते हैं, जबकि कई लाखों सालों में बनते हैं। रंगीन हीरों में ट्रेस एलिमेंट कम मात्रा में रासायनिक तत्वों के हीरा बनने के दौरान परस्पर क्रिया करने से रंगा जाता है। साथ ही इन खनिजों के समावेश से हीरे की सटीक उम्र का पता भी लगाया जा सकता है। हीरे के निर्माण की मुख्य रूप से चार प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले लगभग सभी डायमंड डिपॉजिट साइट्स के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो आइए इन चार मुख्य तरीकों को जानते हैं। पहला है पृथ्वी के आवरण में हीरे का निर्माण। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 100% प्राकृतिक डायमंड जो हीरा खानों में पाए जाते हैं पृथ्वी के आवरण में बनते हैं और एक गहरे स्रोत वाले ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। इन ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण किम्ब्रेलाइट और लैम्प्रोइट पाइप्स का निर्माण होता है, जिनमें ये हीरे पाए जाते हैं। दूसरा है सबडक्शन जोन में हीरे का निर्माण। हीरा निर्माण की यह दूसरी प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण चट्टाने सबडक्शन जोन में समाती है और सतह पर छोटे डायमंड के साथ वापस आती है तो हीरे का निर्माण होता है। ये छोटे हीरे पृथ्वी के नीचे केवल 80 किलोमीटर की गहराई में बनते हैं, जहां तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तीसरा तरीका है शुद्र ग्रह प्रभाव स्थल यानी कि इंपैक्ट साइट पर हीरे का निर्माण। अगर पृथ्वी का इतिहास देखा जाए तो कुछ शुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराने का पता चलता है। जब कोई शुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो इससे तीव्र दबाव और तापमान उत्पन्न होता है, जो दोनों गुण हीरा निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रक्रिया को पृथ्वी के कई एस्टेरॉयड इंपैक्ट साइट से समझा जा सकता है। इनमें दो अधिक प्रसिद्ध स्थल हैं, साइबेरिया के पॉपीगई क्रेटर और एरिजोना में मेटेओर क्रेटर। चौथा तरीका है अंतरिक्ष में हीरे का निर्माण। केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी हीरे का निर्माण होता है। नासा के शोधकर्ताओं ने कुछ उल्का पिंड में बड़ी संख्या में नैनो डायमंड्स का पता लगाया है, लेकिन ये हीरे आकार में बहुत छोटे होने के कारण डायमंड ज्वेलरी और औद्योगिक आकर्षण के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में कृत्रिम हीरों का चलन काफी बढ़ गया है। तो आखिर कृत्रिम हीरा बनता कैसे है? प्राचीन समय में हीरे को केवल प्राकृतिक तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में हीरा बनाने की प्रक्रिया को खोज निकाला है। तो आइए जानते हैं कि कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है। कृत्रिम हीरे को दो तरीके से तैयार किया जाता है, पहला है HPHT और दूसरा है CVD। सबसे पहला तरीका HPHT। प्रयोगशाला में हीरा बनाने के लिए वैज्ञानिक HPHT नामक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। HP यानी कि हाई प्रेशर
और HT यानी कि हाई टेम्परेचर HPHT तकनीक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक हीरा बनाने की प्रक्रिया की नकल करे। सबसे पहले के छोटे हीरा बीज को एक कार्बन बीज के साथ रखा जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड पाउडर, और फिर इन्हें अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के संपर्क में लाया जाता है। जैसे ही कार्बन पिघलता है, वह हीरा बीज के चारों तरफ एक हीरे का निर्माण होता है। इसके बाद इस नए पदार्थ को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कटाई और पॉलिश की जाती है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है। दूसरा है CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस तकनीक में भी HPHT की तरह असली रत्न गुणवत्ता वाले हीरे तैयार होते हैं। CVD तकनीक में एक गैस जैसे कि मीथेन को एक वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है और फिर गैस के अणुओं को माइक्रोवेव्स की मदद से तोड़ा जाता है। इस दौरान कार्बन परमाणु एक सबस्ट्रेट पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिमपात में हिमकण जमा होते हैं। नंगी आंखों से देखने पर प्राकृतिक हीरा और कृत्रिम हीरे में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जहां प्राकृतिक हीरे को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, वहीं प्रयोगशाला में विकसित हीरा कुछ ही हफ्तों में बनकर तैयार हो जाता है। प्रयोगशाला में बना हीरा प्राकृतिक हीरे के मुकाबले सस्ता भी होता है। अगर बात की जाए सस्टेनेबिलिटी की, तो इस मामले में कृत्रिम हीरा प्राकृतिक हीरे से एक कदम आगे रहता है। प्राकृतिक हीरे में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि कृत्रिम हीरे में नाइट्रोजन नहीं होती है। वास्तव में यही वो तरीका है जिसका इस्तेमाल कर रत्न विशेषज्ञ हीरे के कृत्रिम और प्राकृतिक होने का पता लगाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर हीरा इतना महंगा क्यों होता है, तो इसका जवाब होगा, हीरा इतना महंगा इसलिए है क्योंकि हीरे का खनन करके उसे बाजारों तक पहुंचाना बहुत ही महंगा पड़ता है। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले हीरों की सप्लाई सीमित है और दुनिया भर के लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं, इसलिए सप्लाई कम और मांग अधिक होने की वजह से हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।